गोरखपुर के फोरलेन में एक बड़ा हादसा हो गया जिसमें 5 गोवंशीय पशुओं की मौत हो गई। तस्करी के लिए लाए जा रहे गोवंशीय पशुओं से भरी ट्रक सुबह डिवाइडर से टकराकर पलट गई। दरअसल सहजनवा थाना क्षेत्र के तेनुआ टोल प्लाजा के पास सुबह एक ट्रक गोवंशीय पशुओं की तस्करी के लिए ले जा रहा था। जब पुलिस ने शक होने पर उन्हें रुकने का इशारा किया तो ट्रक चालक ट्रक लेकर भागने लगा और तेनुआ टोल प्लाजा के पास डिवाइडर से टकरा कर ट्रक पलट गया। ट्रक में तस्करी के लिए लाए जा रहे 21 गोवंशीय पशु में से 5 पशुओं की मौत हो गई और 3 घायल हो गए। दुर्घटना के बाद पुलिस ने क्रेन से पशुओं के शव को किनारे करवाया। क्रेन से ही ट्रैक्टर में रखकर उन्हें भेज दिया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है। 21 बैलों को ले जाता हुआ एक ट्रक वहां पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और जिसमें 5 बैलों की मृत्यु हुई है और 3 बैल अभी घायल अवस्था में है जिनका संपूर्ण समुचित इलाज किया जा रहा है। और इसके अलावा जो व्यक्ति है जो इस गाड़ी को ले जा रहा था, इस ट्रक को ले जा रहा था, उसको गिरफ्तार किया गया है और पशु क्रूरता और अन्य धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। गोरखपुर से प्रेमचंद चौहान की रिपोर्ट। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए नेशन वन के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।